हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 9th ट्यूटोरियल है जिसमें हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स के बारे में। देखिए, पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमारे हमारे फंक्शन के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा जिसमें मैं कुछ प्रिंट करा लूँगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूँगा जो है वॉइड, क्योंकि मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए वॉइड। और फिर अपने फंक्शन का नेम मैं दूंगा प्रिंट, और फिर मैं अपने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर कोई पैरामीटर पास करूँगा। मुझे बताना होगा कि मैं किस डेटा टाइप का पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का पैरामीटर, तो मैं लिखूँगा इंट और फिर अपने पैरामीटर का नेम। मेरे पैरामीटर का नेम है ए। फिर मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा और मैं सी लिखूँगा सी आउट, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है। फिर डबल लेस देन का साइन, और फिर मैं लिखूँगा द नंबर इज, फिर डबल लेस देन का साइन, और फिर मैं अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगा। मैं लिखूंगा ए, आप फिर मैं लिखूंगा एंड एल। एंड एल का मतलब है एंड लाइन, फिर मैं सेमी कॉलन। अब देखिए, मैंने यहाँ एक पैरामीटर लिख दिया इंट ए, अब प्रिंट होगा द नंबर इज ए, द नंबर इज ए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को वैल्यू देनी पड़ेगी। इस ए को मैं वैल्यू कैसे दूंगा, वो दूंगा मैं मेन से। तो मैं मेन में सबसे पहले अपना फंक्शन कॉल कराऊंगा, उसमें लिखूंगा मैं प्रिंट, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे दूंगा। मैं चाहता हूँ 45 वैल्यू देना, और फिर इसको सेमी कोलन से बंद कर देंगे और लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो। अब देखिए, मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो देखिए क्या होगा, द नंबर इज 45। अगर मैं देखिए अपने पैरामीटर में चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 454544। अब मैं इसे फिर से चलाता हूँ तो देखिए ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हम इस तरीके से अपने फंक्शन में पैरामीटर को पास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विजय आउट।